हामी साहब, आप संत गुरमीत राम रहीम को लेके या हन्नी प्रीत को लेके कोई स्टेटमेंट जारी करके पंजाब का माहौल खराब करने का काम ना करें। जो अमृतपाल सिंह जरनैल सिंह भिंडरांवाला की मुहिम लेके आया था, आज तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक शब्द भी बोला तामी साहब? अब वो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की बात कर रहा था, या तामी साहब जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो हटा के फिर बात करो, फिर मैं आपकी मुहिम के साथ जुड़ता हूँ। आपका काम है गुरुद्वारों का रखरखाव करना, गुरुद्वारों को का मान सम्मान बढ़ाना। गुरुद्वार 64 के बयान की धामी साहब, आपको कानून का शायद ज्ञान नहीं है। अगर बोलना है तो आप जगतार सिंह हवारा के खिलाफ बोलें, जो अकाल तख्त का 100 करोड़ जत्थेदार बनके अकाल तख्त की मर्यादा को भंग कर रहा है, तो ये वीरेश शंडले आपको चैलेंज करता है। आप एक बेअदबी की बयान, आप किसी धर्म के खिलाफ संत गुरमीत राम रहीम का या हन्नी प्रीत का बयान बोलते हुए दिखा दें, और अमित शाह को भी मिलेगा कि फिर पंजाब में बड़ी साजिश हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर दंगे करवाने। देखिए, विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान से मांग करता है धामी साहब से कि धामी साहब, आप संत गुरमीत राम रहीम को लेके या हन्नी प्रीत को लेके कोई स्टेटमेंट जारी करके पंजाब का माहौल खराब करने का काम ना करें। बकायदा पंजाब की सरकार जो है अलाइव है, बकायदा पंजाब का खुफिया तंत्र सरकरिया है, बकायदा अपना कानून अपना काम करता है। ऐसे में आपका काम है गुरुद्वारों का रखरखाव करना, गुरुद्वारों को का मान सम्मान बढ़ाना, गुरुद्वारों के लिए जो है उनकी उन्नति के लिए काम करना। अब ये किस काम में पड़ गए जो है, ऑलरेडी ये मैटर पेंडिंग है, अदालतों में पेंडिंग है। कोई आदमी कल को किसी का भी नाम लेके 164 का बयान दर्ज करवा सकता है। मैं कल को प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके या पंजाब के चीफ मिनिस्टर का बयान लेके मैं किसी का भी नाम लेके 164 का बयान करवा दूं। 164 के बयान की धामी साहब, आपको कानून का शायद ज्ञान नहीं है। 164 और 161 के बयान में कोई फ़र्क नहीं है। जो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान से मांग करता हूँ कि कहीं ना कहीं चुनावों के दिनों में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का ये बयान कि हनीप्रीत को गिरफ्तार किया जाए, बाबा जी को गिरफ्तार किया जाए, उन्होंने भेद भी की, मैं फिर एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से और विश्व हिंदू तख्त की तरफ से दावा कर सकता हूँ। जितना मैं संत गुरमीत राम रहीम के कामों को जानता हूँ, जितनी उनकी देशभक्ति को जानता हूँ, जिनकी उनकी धार्मिक आस्था जानता हूँ और जितनी उनकी समाज सेवा जानता हूँ, मैं आज फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ये संत गुरमीत राम रहीम एक ऐसा संत है वर्ल्ड के अंदर, मुझे कोई ऐसा संत दिखाओ जिसने वेश्याओं को बेटी बना के अपने घर से विदा किया हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ कहना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम है, लेकिन उनको अपना के, उनको अपनी ती बना के घर से विदा करना बहुत बड़ा काम है। मोदी जी तो 2014 से गंदगी की बात कर रहे हैं, मैं इनको 30 साल से देख रहा हूँ। भारतीय सेना के लिए खून दान इकट्ठा करना, लाखों यूनिट, क्या क्या काम मैं इनके गढ़वाऊँ। तो मैं तामी साहब, आप पंजाब का माहौल ना खराब करें, पंजाब की पीस खराब ना करें। आपने अगर बोलना है तो आप जगतार सिंह हवारा के खिलाफ बोलें, जो अकाल तख्त का 100 करोड़ जत्थेदार बनके अकाल तख्त की मर्यादा को भंग कर रहा है। आप बोलना है, आपने काम करना है, तो आप जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फ़ोटो लगी हुई है अजैब घर के अंदर, आप उसको हटाने की पहल करने की बात करें, जिससे हिंदू सिख भाईचारा मजबूत होगा। जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने 1990 भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया। भारतीय सेना जो 140 करोड़ लोग तब रात को सोते हैं जब भारतीय सेना के जवान बॉर्डरों पर हमारी रक्षा करते हैं। आप हनीप्रीत का नाम लेके, आप संत गुरमीत राम रहीम का नाम लेके उनको बेअदबी का मुजरम बता के सिर्फ प्रदीप क्लेर के बयान पर कि 164 का, फिर क्या होगा 164 का बयान दे दिया। उनके खिलाफ आज तक साजिशें हो रही हैं। भगवंत मान जी इस तरह के बयानों से पंजाब के डीजीपी को आदेश दें, सरदार तामी साहब से बात करें आप कि इस तरह का बयान देके वो फिर डेरा के जो अनुयायी हैं और हिंदू सिख भाईचारा उनको पटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पंजाब पीस में आज पंजाब में भगवंत मान की नहनुमाई में पंजाब में अमन शांति कायम है, ये बहुत बड़ी बात है। जो अमन शांति कवि सरदार बेंद सिंह ने दी, वो अमन शांति आज भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही है। जो अमृतपाल सिंह जरनैल सिंह भिंडरांवाला की मुहिम लेके आया था,
आज तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक शब्द भी बोला तमी साहब, अब वो जरनैल सिंह पिंडरांवाला की बात कर रहा था, या तमी साहब जरनैल सिंह पिंडरांवाला की फोटो हटा के फिर बात करो, फिर मैं आपकी मुहिम के साथ जुड़ता हूँ, फिर मैं जुड़ूंगा आपकी मुहिम के साथ। नंबर दो, सतवंत सिंह बेन सिंह की फोटो वहां से उतारो, जिस सतवंत सिंह बेन सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री होते को मारा, क्या कहीं किसी ग्रंथ साहब में या किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि आप जिसके सिक्योरिटी के लिए रखे गए उसी को मार दो? कितना बड़ा धोखा है, कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उसी आदमी से धोखा दो जो आपको जिसकी सुरक्षा के लिए आपको लगा हुआ है? तो मैं मांग करता हूं तमी साहब आपसे, आप इस विषय के ऊपर बोलना बंद करें, नहीं मैं पूरे पंजाब में आकर, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री आप साहब भगवंत मान साहब आपकी सलाह करता हूं। आपने अमृतपाल सिंह को जेल में डाल दिया और खून की एक बूंद नहीं गिरने दी, लेकिन ऐसे जतामी जैसे लोग जो हिंदू सिख भाईचारे को पटका के फिर दंगे करवाना चाहते हैं, संत गुरमीत राम रहीम का नाम लेके, हनी प्रीत का नाम लेके, कानून की बात करके, कानून अपना काम कर रहा है, बेअदबी की जांच चल रही है, और मैं दावा कर, मुझे मैं तमी साहब से दावा चैलेंज करता हूं आज तमी साहब को, तमी साहब आप मेरे लिए बड़े हैं, आप गुरुद्वारों के मुखिया हैं पंजाब के, आप उनके रख रखाव के लिए चुने गए हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये वीरेश शंडले आपको चैलेंज करता है, आप एक बेअदबी की बयान आप किसी धर्म के खिलाफ संत गुरमीत राम रहीम का या हन्नी प्रीत का बयान बोलते हुए दिखा दें, कोई आके किसी साजिश के तहत गुरमीत राम रहीम को फंसाने के लिए कोई 164 का बयान दे देता है 2015 की बात, आज 2024, जबकि सीबीआई इस केस को क्लोजर रिपोर्ट मोहाली कोर्ट में दे चुकी है। तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलूंगा भी, मैं पंजाब के राज्यपाल को भी मिलूंगा, मेरा एंटी टैरिफमेंट इंडिया डीजीपी पंजाब को भी मिलेगा, अमित शाह को भी मिलेगा कि फिर पंजाब में बड़ी साजिश हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर दंगे करवाने की।